बुधवार को कसरावत की कृषि उपज मंडी में डालर चना, लाल चना और गेहूं की नीलामी का मुहूर्त किया गया। पंडित राजकुमार गांव शिंदे के द्वारा पूजन करवाया गया। इस अवसर पर मंडी सचिव हरेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा पूजा अर्चना कर किसानों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। वहीं किसान संतोष प्रेमचंद निवासी बकावा का डालर चना SMO कसरावत द्वारा 9111 की बोली लगाकर सर्वप्रथम क्रय किया गया। पहले दिन मंडी में कुल डालर चने के 20 वाहनों की आवक रही, जिसमें चने को उच्चतम भाव 9111, मॉडल भाव 8950 और न्यूनतम भाव 8320 प्रति क्विंटल रहा। इस दौरान किसान संतोष एवं क्रेता व्यापारी शैलेंद्र अग्रवाल का मंडी सचिव के द्वारा पुष्प माला पहनाकर सम्मान किया गया। सांसद प्रतिनिधि ताराचंद यादव ने किसानों को अपनी उपज कृषि उपज मंडी में क्रय करने का निवेदन किया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। और निश्चित ही लोग इस रास्ता देख रहे थे कि कसरावत में भी रौनक बढ़ जाती है, व्यापारी आते हैं, तो आज कैसा रहा मुहूर्त? आज मुहूर्त बहुत अच्छा रहा। मंडी के आज शुभारंभ कराया यहाँ नीलामी का, और इसमें 11 वाहन मंडी प्रांगण में आवक हुए डालर चना गेहूं मिलाकर, और इसमें 9111 रुपए का भाव हाइएस्ट रहा है। सर, निश्चित ही जिस तरीके से भाव खुला है, किसान बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में बिल्कुल आवक बढ़ेगी? क्योंकि क्या है कि आज हम लोग के भाव के बराबर भाव यहाँ भी मिले हैं। जब कसरावत में किसान को ये भाव मिलेगा, धामनोद का किसान कसरावत कभी नहीं आएगा, और यहाँ की आवक निश्चित रूप से बढ़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।